नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री कुमार कनानी को एक कांस्टेबल ने फोन कर कहा कि आपके बेटे ने लॉकडाउन कर्फ्यू तोड़ा है और मास्क भी नहीं पहना है, जिसके बाद उस कांस्टेबल को नौकरी छोड़नी पड़ गई और जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला देखिए। गुजरात के सूरत शहर में एक महिला कांस्टेबल को मंत्री के बेटे से मिली धमकी के बाद अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा है। दरअसल महिला कांस्टेबल ने सूबे में स्वास्थ्य राज्य मंत्री कुमार कनानी के बेटे प्रकाश और उसके दोस्तों को नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने पर चेक पॉइंट पर रोक दिया और उनसे पूछताछ की। इस दौरान मंत्री के बेटे ने कांस्टेबल को धमकी दी। सहायक पुलिस आयुक्त पीएल चौधरी ने कहा कि महिला कांस्टेबल और मंत्री के बेटे के बीच हुई बहस की एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस क्लिप में सुना जा सकता है कि मंत्री कुमार कनानी का बेटा प्रकाश महिला कांस्टेबल सुनीता यादव के साथ बहस कर रहा है और अपनी राजनीतिक पैठ को लेकर उसे धमका रहा है। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद सुनीता ने अपने शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की, जहां अधिकारियों ने मामले को रफा दफा करने और घटनास्थल से जाने को कहा। इस घटना से महिला कांस्टेबल खासा निराश हो गई और उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चौधरी ने बताया कि ये घटना बुधवार की रात सूरत के मानगढ़ चौक पर हुई है। चौधरी ने कहा कि जब ऑडियो क्लिप के बारे में सूरत के पुलिस कमिश्नर आरबी ब्रह्म भट्ट को पता चला तो उन्होंने एसीपी सीके पटेल से मामले की जांच करने को कहा। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट एचबीएन न्यूज। साहब तुम हमारी बात सांभळो। साहब तमारा पुत्र सुपुत्र अहीं शुं नाम भाई तमारू? प्रकाश। प्रकाश भाई अहीं आव्या छे, एम के छे तमारी साथे वात करवायवो छुं। तो साहब तमे मने एम कह्यो के फोन उपर ना वात थई शके? तमारो फोन नंबर तो हा एमनो दोस्त हतो, ई दोस्त नो फोन नंबर हतो ने साहब। घणी वार तो लोको एवुं कहे छे आपणा अधिकारीओ के फोन उपर अमे वात नहीं करीए। अधिकारी एवुं कहे छे फोन उपर वात नहीं करीए? मेडम ओवर थई छे, मारा बापा छे।